हाय गाइस वेलकम। तो आज यूरोप चलो। जी हाँ, यूरोप, जहाँ के लोग वैसे इतनी मिर्ची खाते नहीं है, ऑल्दो ज्यादातर इनके दिमाग और बातें होती तीखी ही है, लेकिन खैर उससे हमें क्या, ये तो जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई है ना। लेकिन यहाँ पे भी जो ये लोग मिर्ची यूज कर रहे हैं ना, वो भी इंडिया से ही जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखो, लिखा हुआ है कैसे कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट से यूरोप को मिर्ची एक्सपोर्ट की जा रही है। कर्नाटका के जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इसका नाम है बागलकोट। और यूरोप में ये लोग ज्यादातर चिलीज को उतना ज्यादा यूज करते नहीं है जितना हम लोग इंडिया में करते हैं। जनरली वहां पे आपको सॉस हो गया चिली का, या फिर चिली का पाउडर फॉर्म में कभी कभी, या फिर फ्लेक्स के फॉर्म में जैसे पिज्जा वगैरह के लिए ये लोग उसको यूज करते हैं। और चांसेस बहुत हैं कि वो चिलीज भी जो ये लोग यूज कर रहे हैं ना, वो सीधे इंडिया से आई होंगी। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नीदरलैंड, इवन जर्मनी भी बहुत बड़े अमाउंट में इंडिया से चिलीज को इम्पोर्ट करते हैं। पिछले साल दिसंबर 2022 तक, जैसे मैंने अभी आपको आर्टिकल दिखाया था, उसमें लिखा यही था कि 200 मेट्रिक टन चिलीज वहां पे एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं, और आने वाले टाइम पे ये एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डबल भी हो सकता है। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखो, इंडिया ही दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सिर्फ मिर्ची नहीं, हर तरह के ऑलमोस्ट स्पाइसेस हैं। पर्टिकुलरली चिलीज की ही अगर बात करें तो वैसे आज भी चाइना ही का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। लेकिन अब वही चीज है ना कि वेस्ट और चाइना का वही 36 का आंकड़ा रहता है, तो ऐसे में इंडिया ही वो कंट्री है जो कि इनके नीड्स को पूरा कर सकता है। और ये बहुत सही चीज है क्योंकि देखो, ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया ही ओवरऑल मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, तो ऐसे में इस इंडस्ट्री को बूस्ट करना इंडिया के लिए भी इजी है, और हम अपनी सो कॉल्ड एक तरह से पकड़ इसमें बहुत तगड़ी बना सकते हैं। और हमारे जो किसान है उनके लिए तो ये अच्छी चीज है ही कि अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी वो लोग इससे जनरेट कर रहे हैं। और अगर चीज बढ़ती रही तो किसानों का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे मेरे ख्याल में शायद किसी को भी प्रॉब्लम होने नहीं वाली। बाकी आप बताओ, जो भी थॉट्स हो आपके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरी तरफ से यही अपडेट है। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, इंस्टा ट्विटर पे जुड़ जाओ। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। जय हिंद।